स्टॉक एंड्रॉइड वर्सेस कस्टम यूआई। दोस्तों आपने बहुत से यूट्यूबर को अनबॉक्सिंग करते समय इस बात को कहते सुना होगा कि इस स्मार्टफोन में स्टॉक एंड्रॉइड आता है, इस स्मार्टफोन में कस्टम यूआई आता है। तो आखिर स्टॉक एंड्रॉइड और कस्टम यूआई क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और मोबाइल की परफॉर्मेंस में इनसे क्या फर्क पड़ता है, इन सभी टॉपिक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम प्रजापति और आप देख रहे हैं टेक फॉर मच। तो स्टॉक एंड्रॉइड और कस्टम यूआई के बारे में जानने से पहले दोस्तों आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। दरअसल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का मेन पार्ट कहा जाता है। आपके दोस्तों मोबाइल में जितने भी यहाँ पर सिस्टम वर्क करते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही वर्क कर पाते हैं। आप मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं, आपको नोटिफिकेशन आता है, आपका अलार्म इतने टाइम में बज जाता है, वो सभी चीजें दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही मोबाइल को कमांड करता है। और दोस्तों पूरे दुनिया में आपको केवल दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहले नंबर में आता है एंड्रॉइड जिसको गूगल ने डेवलप किया है और दूसरे नंबर में आता है आईओएस जिसको एप्पल ने डेवलप किया है। आपने एंड्रॉइड का नाम हमेशा सुना होगा, जितने भी आप स्मार्टफोन यूज करते हैं सभी दोस्तों एंड्रॉइड का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। तो मतलब जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन होते हैं जैसे Xiaomi, Oppo, Vivo या फिर नॉन चाइनीज फोन जैसे Samsung, Motorola, इन सभी में आपको एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। दरअसल दोस्तों क्या होता है कि जितनी भी कंपनी होती है सभी दोस्तों गूगल से ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉइड को बाई कर लेती है, वो भी लाइसेंस के साथ। और पिछले वीडियो मैंने आपको गूगल की एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जितना गूगल अपने स्मार्टफोन को जैसे पिक्सल के फोन होते हैं उनको सेल करके नहीं कमाती, उससे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सेल करके कमा लेती है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब भी सभी कंपनियां यहाँ पर गूगल से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बाई करती हैं दोस्तों, इन कंपनियों को जो डेवलपर होते हैं ये दोस्तों अपनी तरफ से कुछ चीजों को कस्टमाइज करते हैं ताकि इनके फोन बाकी फोनों से डिफरेंट लग सके। दोस्तों आप खुद सोच लीजिए कि एप्पल के अलावा सभी स्मार्टफोन में एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो इस तरह दोस्तों सभी स्मार्टफोन एक ही तरह के होंगे, सभी फीचर सभी में एक ही तरह के दिखाई देंगे। और कंपनियां यह बिल्कुल भी नहीं चाहती, वो चाहती है कि हमारे फोन सबसे यूनिक लगे, हमारे फोन में कुछ नए फंक्शन ऐड हो। इसलिए दोस्तों कंपनी के जो डेवलपर होते हैं जैसे Xiaomi हो गया, Oppo हो गया, Realme हो गया, इनके डेवलपर क्या करते हैं कि एंड्रॉइड में कुछ और भी कस्टमाइज करते हैं और भी चीजों को ऐड कर देते हैं। जैसे यहां पर बहुत से फीचर यहां पर ऐड कर देते हैं जिससे इनके फोन और फोनों से अलग लगने लगते हैं। आप Oppo का फोन यूज करिए, आप Xiaomi का फोन यूज करिए, आपको दोनों में डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे आप दो डिफरेंट स्मार्टफोन को यूज करते हैं, जैसे आप यहां पर Xiaomi का फोन यूज कर रहे हैं और Samsung का फोन का यूज कर रहे हैं, तो आपको Samsung के फोन में वन UI देखने को मिल जाता है, Xiaomi के फोन में MIUI देखने को मिल जाता है। यानी Xiaomi के डेवलपर ने MIUI के जरिए कस्टमाइज किया है और Samsung के डेवलपर ने वन UI के जरिए मोबाइल को कस्टमाइज किया है। तो जितने भी स्मार्टफोन के एंड्रॉइड को कस्टमाइज किया जाता है उनको कस्टम UI कहा जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें कस्टम UI के प्रॉफिट एंड लॉस की, दोस्तों प्रॉफिट में जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप काफी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर फोटो क्लिक करते हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप थीम को चेंज कर सकते हैं, आप अपने होम स्क्रीन के जितने भी ऐप होते हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटे बड़े कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, आप काफी चीजों को यहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं। और दोस्तों जनरली जितने भी आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, जितने भी 15-20 हज़ार के फोन होते हैं वो सभी कस्टम UI के स्मार्टफोन ही होते हैं। मतलब उनके एंड्रॉइड को यहां पर कस्टमाइज किया जाता है क्योंकि क्लीन UI का एक्सपीरियंस आपको ज्यादातर महंगे फोन में ही देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों बात कीजिए इसके लॉस की यानी कमियों की, दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी कमी इसकी ये होती है कि इससे बैटरी ड्रेन होती है क्योंकि इसमें काफी चीजों को कस्टमाइज किया जाता है। इसमें कई प्रकार के लाइव वॉलपेपर होते हैं, बहुत चीजें यहां पर ऑटोमेटिक यहां पर बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, जिससे दोस्तों यहां पर बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है। सेकंड, आपको कस्टम UI स्मार्टफोन में अपडेट बहुत देर में मिलते हैं। दोस्तों अगर एंड्रॉइड 13 का अपडेट रोल आउट हुआ तो सबसे पहले यहां पर क्लीन UI में वह अपडेट आता है, इसके बाद दोस्तों यहां पर कस्टम UI में देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा कस्टम UI की और भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, जैसे आपको यहां पर कई सारे मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे गेमिंग मोड होता है, आप जब गेम खेलते हैं तो काफी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। Samsung के फोन में आपको गूगल का डायलर नहीं मिलता जिससे आप यहां पर किसी की भी यहां पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सामने वाले को पता नहीं चलता है। तो बहुत सारे इसके प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें यहां पर हम स्टॉक एंड्रॉइड के बारे में कि स्टॉक एंड्रॉइड क्या होता है, तो दोस्तों क्लीन UI को यहां पर स्टॉक एंड्रॉइड कहा जाता है। मतलब जब स्मार्टफोन कंपनी गूगल से एंड्रॉइड को बाई करके उसमें ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करती, ज्यादा कुछ कस्टमाइज नहीं करती और बिल्कुल क्लीन UI के साथ यूजर को प्रोवाइड करती है, तो दोस्तों उसको यहां पर स्टॉक एंड्रॉइड कहा जाता है। स्टॉक का दोस्तों मतलब होता है प्योर, मतलब उसमें ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं की गई। इसलिए दोस्तों यहां पर स्टॉक एंड्रॉइड के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं बहुत ही यहां पर फास्ट चलते हैं, बहुत यहां पर स्मूथ चलते हैं। आपको जितने भी यहां पर गूगल के फोन देखने को मिलते हैं, जैसे गूगल के पिक्सल फोन होते हैं, मोटोरोला के फोन होते हैं, इनमें आपको यहां पर बिल्कुल से स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। दोस्तों अगर स्टॉक एंड्रॉइड में आपको 60 Hz की डिस्प्ले देखने को मिलती है और कस्टम UI में आपको 90 Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, तो दोस्तों यहां पर स्टॉक एंड्रॉइड की 60 Hz की रिफ्रेश रेट काफी हद तक 90 Hz की स्मूथनेस का एक्सपीरियंस देगी। दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड के स्मार्टफोन में आपको किसी प्रकार के थर्ड पार्टी एड देखने को नहीं मिलते, मतलब जिस प्रकार आपको कस्टम UI में थर्ड पार्टी एड्स देखने को मिलते हैं, कई प्रकार नोटिफिकेशन में आते रहते हैं। और दोस्तों आपको स्टॉक एंड्रॉइड में आपको किसी प्रकार का आपको ब्लॉटवेयर भी देखने को नहीं मिलता। आपको कस्टम UI में बहुत से प्रकार के यहां पर फर्जी ऐप देखने को मिल जाते हैं जो पहले से प्री इंस्टॉल रहते हैं, जिनको आप जल्दी डिलीट नहीं कर पाते, वो दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब आपको स्टॉक एंड्रॉइड में बिल्कुल से क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कभी कभी स्टॉक एंड्रॉइड में आपको किसी प्रकार के बग्स देखने को मिलते हैं क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जैसे यहां पर सबसे पहले यहां पर एंड्रॉइड 13 अपडेट हुआ, दोस्तों सबसे पहले यहां पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड में देखने को मिलता है।
तो जब भी एंड्रॉइड के नए वर्जन में कुछ कमी होती है तो आपको सबसे पहले स्टॉक एंड्रॉइड में ही देखने को मिलती है और फिर इसको इंप्रूव करके इस प्रकार के अपडेट को कस्टम यूआई में रोल आउट कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों पूरी कहानी यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड की और कस्टम यूआई की, कस्टम यूआई क्या होता है, स्टॉक एंड्रॉइड क्या होता है, कैसे काम करते हैं और मोबाइल की परफॉर्मेंस में इससे क्या फर्क पड़ता है। और दोस्तों मैं इन सभी चीजों को बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और दोस्तों यार अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार इससे हमको ही मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।